नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मेरा जो पिछला लेक्चर था पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ऊपर, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। उसके साथ ही छात्रों की ओर से अनुरोध आया था कि मैं बिंदुवार नोट्स बनाऊँ ताकि जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, अलग अलग स्टेट्स में जो एग्जाम होने वाले हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर अन्य राज्यों में, उसके लिए बिंदुवार नोट्स बनाने का अनुरोध किया गया था। तो यह मैं नोट्स लेकर आया हूँ। इसका पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम शुरू से पढ़ेंगे। प्लेटो के संबंध में जो स्मरणीय महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव, तो आप प्लेटो का काव्य सिद्धांत जो मेरा लेक्चर है उसे आप देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक नीचे दे दिया है। आइए आज हम पढ़ते हैं प्लेटो के संबंध में महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। सबसे पहली बात, प्लेटो ग्रीक दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के। दूसरा है, गुरु शिष्य का संबंध इस प्रकार देखा जा सकता है, कौन किसके गुरु है, कौन किसके शिष्य है। सुकरात के शिष्य हैं प्लेटो और प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु। सुकरात के शिष्य हैं प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु। प्लेटो का जो समय काल है वह है 427 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व तक इनका समय काल माना जाता है। इनका जन्म स्थान है एथेंस, यूनान। कुछ विद्वानों के अनुसार एजिना था। इनके पिता का नाम अस्टोन और माता पेरिक्टोन थी। कुछ इनका बायोग्राफी भी जानना आपको जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। प्लेटो जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका यूनानी उच्चारण होता है प्लाटोन, जो अरबी में अफलातून बन जाता है। इनका मूल नाम था अरिस्तोकलिस। तो अलग अलग भाषाओं में प्लेटो के अलग अलग नाम है। अंग्रेजी में प्लेटो है, यूनानी में प्लाटोन है, अरबी में अफलातून है, लेकिन इनका वास्तविक में जो मूल नाम है वह क्या है? अरिस्तोकलिस था। प्लेटो की जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियां हैं, वे हैं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज। ये इनकी तीन प्रमुख कृतियां हैं। द रिपब्लिक रचना प्लेटो के राजनीतिक चिंतन और आदर्श राज्य का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो द रिपब्लिक में उन्होंने राजनीतिक विचार व्यक्त किए हैं राजनीति के संबंध में, और उन्होंने आदर्श राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रत्ययवादी या आत्मवादी मतलब आइडियलिस्टिक, प्रत्यय मतलब होता है विचार, तो आइडियलिस्टिक आत्मवादी भी वही है। तो आइडियलिस्टिक दार्शनिक थे, प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का उद्देश्य था आदर्श राज्य का निर्माण। प्लेटो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने आदर्श राज्य के निर्माण की अवधारणा प्रस्तुत की है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। यह इनके चिंतन का मुख्य उद्देश्य था। प्लेटो कोई आलोचक नहीं थे, न कोई साहित्य शास्त्री थे, बल्कि प्लेटो क्या थे? एक दार्शनिक थे। प्लेटो आलोचक नहीं थे, दार्शनिक थे। उनका उद्देश्य दार्शनिक मान्यताओं का प्रतिपादन करना था। मूल रूप से वह फिलासफर थे, दार्शनिक थे। प्लेटो प्रत्ययवादी अर्थात आइडियलिस्टिक दार्शनिक थे, आइडियलिस्ट दार्शनिक थे, जिनके अनुसार प्रत्यय अथवा विचार ही परम सत्य है और ईश्वर उसका सृष्टा है। मतलब प्रत्यय अथवा विचार ही केवल सत्य है, और ये जो हम दुनिया देख रहे हैं यह क्या है? मिथ्या है, झूठ है। और इस प्रत्यय या विचार के जन्मदाता कौन है? निर्माता ईश्वर है। प्लेटो के दर्शन के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? उनके जो फिलॉसफी के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? प्रत्यय सिद्धांत मतलब आइडिया का सिद्धांत, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, आत्मा की अमृतत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र और ज्ञान मीमांसा, ये इनके दर्शन के मुख्य विषय हैं। इसके बाद है काव्य कला के संबंध में उनके विचार संवादों में प्रसंगवश अभिव्यक्त हुए हैं। क्योंकि वे दार्शनिक थे, वे आलोचक नहीं थे, इसलिए काव्य और कला के संबंध में जो उनके विचार हैं वे समय समय पर ऐसी बातों बातों में निकल गए हैं, प्रसंगवश उन्होंने उसके बारे में कुछ कहा है। कला और साहित्य संबंधी प्लेटो की धारणाएं उनके निम्न संवादात्मक लेखों में मिलते हैं। तो प्लेटो ने जो भी लिखा वह संवाद के रूप में लिखा है कि दो व्यक्ति आपस में संवाद कर रहे हैं, तो उसका जो लेख है, उन्होंने जो लेख लिखा है वह संवादों के रूप में लिखा है कि दो व्यक्ति आपस में संवाद कर रहे हैं,
तो कला और साहित्य के संबंध में उनके जो विचार हैं इनमें मिलते हैं इन लेख में। पहला इओन, क्रेटिलुस, प्रोटोगोरस, गोर्गियास, सिंपोजियम। सिंपोजियम का अर्थ होता है विचार गोष्ठी। रिपब्लिक, फ्रेदुस, फिलेबुस और लॉज। लॉज मतलब होता है कानून। ये उनके संवादात्मक लेख हैं। इसमें इन्होंने कला और साहित्य संबंधी विचार अपने व्यक्त किए हैं। प्लेटो की मृत्यु 347 ईसा पूर्व में एक वैवाहिक भोज के समय हुई। कुछ विद्वानों के अनुसार लेख लिखते समय उनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है वह है कि दासता मृत्यु से भी भयावह है। रिपब्लिक में प्लेटो का यह कथन बहुत चर्चित कथन है कि जो दासता होती है, जो गुलामी होती है, वह मृत्यु से भी भयानक होती है। यह स्टेटमेंट रिपब्लिक से लिया गया है, यह प्लेटो का कथन है। पाश्चात्य जो समीक्षा जगत है उसमें आचार्य प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, प्लेटो जो महान दार्शनिक थे उनका जो अनुकरण सिद्धांत है, अ थ्योरी ऑफ इमिटेशन, यह अत्यंत प्रसिद्ध सिद्धांत है। तो इन्होंने भी अनुकरण का सिद्धांत दिया है, लेकिन प्लेटो की दृष्टि में अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल करना है, मतलब किसी चीज की सीधा फोटो कॉपी कर लेना है ना। प्लेटो की दृष्टि में अनुकरण का अर्थ है हूबहू नकल करना, ठीक वैसा ही नकल करना। प्लेटो के अनुसार कवि अनुकरण का अनुकरण करता है और अनुकरणात्मक कला सत्य से तिगनी दूरी पर होती है, इसलिए वह त्याज है। जैसे जो विचार है वह कि उसके जन्मदाता कौन है, ईश्वर है, सिर्फ विचार ही सत्य है। और विचार के आधार पर क्या होता है, ये जो हमारा दृष्टिगोचर जगत है वह निर्मित होता है, तो यह एक तो डुप्लीकेट हो गया। और इस दृश्यमान जगत को देखकर कोई कवि कविता लिखता है तो वह डुप्लीकेट का डुप्लीकेट हो गया, मतलब वह फोटोकॉपी का फोटोकॉपी जैसी स्थिति है। विचार ओरिजिनल है और जो दृश्यमान जगत है वह उसकी फोटोकॉपी है, और जो कवि जो कविता लिखता है वह फोटोकॉपी का फोटोकॉपी है। अर्थात जो अनुकरणात्मक कला है वह क्या है, सत्य से तीन गुनी दूरी पर होता है, और इसीलिए वह क्या होता है, त्याज्य है। उसे त्याग देना चाहिए, कविता और कवि दोनों को त्याग देना चाहिए। प्लेटो की मान्यता है कि कवि अनुकृति की अनुकृति करता है, मतलब फोटोकॉपी का फोटोकॉपी करता है, तथा कलाकार अनुकरता है। और जो कलाकार क्या होता है, अनुकर्ता इमिटेटर होता है, कलाकार का सत्य तक पहुंचना संभव नहीं होता। मतलब कलाकार भी अनुकरण करता है, जैसे पलंग बनाने का विचार भगवान के दिमाग में आया, उसको देखकर बढ़ई ने क्या बना दिया, पलंग बना दिया, तो यह अनुकर्ता हो गया, इमिटेटर हो गया। कलाकार का भी सत्य तक पहुंचना संभव नहीं है, कोई भी कलाकार या फिर जो भी कवि है वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता। प्लेटो के शब्दों में कला सत्य से त्रिधा अपेत है, मतलब तीन गुना दूरी पर होता है। कोई भी काव्य कला इत्यादि है वे सत्य से तीन गुनी दूरी पर होते हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने पलंग मतलब बढ़ई या कारीगर द्वारा निर्मित का उदाहरण देकर अपनी बातों की पुष्टि की है। मतलब प्लेटो ने बताया कि पलंग जो बनाता है बढ़ई या कारीगर, इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है, डिटेल में आप अपने लेक्चर में देख सकते हैं, इसकी पुष्टि की है उन्होंने। प्लेटो ने इओन नामक संवाद में काव्य सृजन को एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद अर्थात डिवाइन मैडनेस का परिणाम कहा है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेज कहा है। जैसे हिंदुस्तान में, भारत में हम लोग मां सरस्वती को कविता या कला की देवी मानते हैं, वैसे ही प्लेटो ने कविता की देवी या कला की देवी को क्या माना है, काव्य सृजन को ईश्वरीय उन्माद माना है, डिवाइन मैडनेस, और काव्य की देवी को उन्होंने प्लेटो कहा है, जिसे हम भारत में मां सरस्वती कहते हैं। तो उनका कहना है कि कवि में टैलेंट हो चाहे मत हो, वह जब कविता लिखता है तो डिवाइन इंस्पिरेशन से लिखता है, डिवाइन मैडनेस से, मतलब भगवान उसे कविता लिखवाते हैं, जो म्यूजेज है वो उससे कविता लिखवाती है, तो यह उनका कहना है। मतलब काव्य सृजन क्या है, डिवाइन मैडनेस है, ईश्वरीय उन्माद है, जिसमें कवि को कुछ होश नहीं रहता हो, कवि कविता लिखते हुए चला जाता है। और किसकी प्रेरणा से लिखता है, काव्य देवी की प्रेरणा से, जिसे प्लेटो ने म्यूजेज कहा है। साहित्य के संबंध में प्लेटो की दृष्टि उपयोगितावादी एवं नैतिकतावादी है, सौंदर्यवादी है, आनंदवादी नहीं है। मतलब साहित्य के संबंध में प्लेटो का यह मानना है कि वही साहित्य श्रेष्ठ है जो उपयोगी है, जो लोगों को नैतिक शिक्षा देता है, सिर्फ वही साहित्य, वही काव्य श्रेष्ठ है। तो वे काव्य में, मतलब उनका जो दृष्टिकोण है सौंदर्यवादी नहीं है, उन्हें काव्य में सौंदर्य नहीं चाहिए, यह काव्य आनंदवादी भी नहीं होना चाहिए। मतलब काव्य का उद्देश्य न तो सौंदर्य है, न ही लोगों को आनंद प्रदान करना है। उनकी दृष्टि में वही साहित्य सुंदर है जिसमें सत्य और शिव है, मतलब वही साहित्य श्रेष्ठ है, वही साहित्य सुंदर है जिसमें सत्य है, और जो शिव है मतलब कल्याणकारी है, अर्थात जो समाज के लिए उपयोगी और हितकारी हो, वही साहित्य श्रेष्ठ है,
और जो साहित्य नैतिक नहीं है वह साहित्य ग्राह्य नहीं है। जिस साहित्य से हमें कोई नैतिक शिक्षा नहीं मिलती वह साहित्य हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, उस साहित्य को हमको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। प्लेटो दार्शनिक के साथ साथ कवि भी थे, इनकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्स में संग्रहित है। तो ये दार्शनिक तो थे, इसके साथ साथ कविताएं भी लिखते थे, आलोचक नहीं थे लेकिन काव्यशास्त्री साहित्य शास्त्री नहीं थे, कवि थे। इनकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्स में संग्रहित है। प्लेटो ने काव्य और कवि पर गंभीर आरोप लगाए हैं, ये महत्वपूर्ण आरोप है कि वे काव्य और कवि को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्होंने उस पर कुछ आरोप लगाए हैं और उन्होंने कवि को आदर्श राज्य से बाहर निकालने की बात कही है। काव्य अनुकृति की अनुकृति है, मतलब अनुकरण का अनुकरण है। दूसरा, कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का प्रसारक है। उन्होंने कहना है कवि में कोई ज्ञान नहीं होता, कवि अज्ञानी होता है और वह अज्ञान अपनी कविता के माध्यम से अज्ञानता का मूर्खता का प्रसार करता है। तीसरा, कलात्मक रचनाएं समाज के लिए अनुपयोगी है, मतलब कोई भी जो कला है इस प्रकार की कविता लिखना या कुछ ये सारी बातों को लिखना, यह कलात्मक जो भी कला है जो भी कलात्मक रचनाएं हैं वे समाज के लिए अनुपयोगी हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। चौथा, यह मुख्य रूप से काव्य एवं कवि पर इन्होंने आरोप लगाया हुआ है, कवि समाज में अनाचार और अनैतिकता का पोषण करने का अपराधी है। इनका कहना है कि कविता के द्वारा लोगों में क्या होता है, वासना उत्पन्न होता है, मतलब बुरी धारणाएं उत्पन्न होती है, उनमें वासना जन्म लेता है, कामोन्माद जन्म लेता है, इसलिए क्या है कविता अनाचार और अनैतिकता का पोषण करते हैं, इसलिए कवि अपराधी है। द रिपब्लिक में प्लेटो ने कविता को अनैतिक करार दिया है, इमोरल। तो द रिपब्लिक जो इनकी किताब है उसमें उन्होंने कहते हैं कविता क्या है, अनैतिक है, नैतिक नहीं है। पांचवा, प्लेटो ने कवि और काव्य दोनों को व्यक्ति एवं राज्य के लिए हानिकारक माना है, मतलब वे अपने आदर्श राज्य में किसी भी कवि और काव्य को स्थान देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कवि और काव्य दोनों ही राज्य के लिए हानिकारक हैं। ये इनके आदर्श राज्य का सिद्धांत है। प्लेटो ने काव्य प्रयोजन के संबंध में दो मान्यताएं स्थापित की हैं, मतलब कविता लिखने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या प्रयोजन होना चाहिए, यह बताते हुए प्लेटो कहते हैं कि शिवम की स्थापना, काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, काव्य का प्रयोजन शिवम की स्थापना, मतलब जो काव्य है वह लोक कल्याणकारी होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, लोगों का कल्याण करने वाला होना चाहिए, नैतिक दृष्टि से लोगों का उत्थान करने वाला होना चाहिए। और दूसरा, आनंद का प्रसार, मतलब कल्याणकारी भी हो, आनंद का प्रसार भी करे लेकिन सत्य के माध्यम से। आनंद के लिए कही गई प्लेटो ने आत्मसंतोष शब्द का प्रयोग किया है, तो यहां पर आनंद उस टाइप का आनंद नहीं है, प्लेजर वाला आनंद, यहां पर आनंद से तात्पर्य है उनका आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, खुद की खुशी। प्लेटो की दृष्टि में वही साहित्य सुंदर है, सत्य है, शिव है, जो उपयोगी है। मतलब प्लेटो का क्या कह रहे हैं, उसी साहित्य को सुंदर मानते हैं जो समाज के लिए उपयोगी है, कल्याणकारी है, वही उपयोगी है और उपयोगी भी होना चाहिए, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम उसमें होना चाहिए। साहित्य के दो प्रयोजनों आनंद और उपदेश में उन्होंने उपदेश को अधिक महत्व दिया है। साहित्य के दो प्रयोजन उन्होंने यहां पर माना है आनंद और उपदेश, कि साहित्य के द्वारा लोगों को आनंद तो मिलना चाहिए, आत्मसंतोष प्राप्त होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें उपदेश को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। साहित्य के द्वारा लोगों को उपदेश मिलना चाहिए और नैतिकता में वृद्धि होनी चाहिए। प्लेटो द्वारा काव्य की अग्राह्यता के दो आधार थे, दर्शन और प्रयोजन। क्योंकि प्लेटो एक दार्शनिक थे तो उनकी दार्शनिक विचारधारा पूरी तरह से काव्य की विरोधी है। और प्रयोजन, मतलब क्योंकि कविता उपयोगी नहीं होती समाज के लिए और कविता लोगों के नैतिक दृष्टिकोण से लोगों का उत्थान नहीं करती, इसलिए कविता क्या है, अग्राह्य है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते आदर्श राज्य में। प्लेटो ने काव्य के तीन प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। प्लेटो ने कैटेगराइज किया है कि काव्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है काव्य है अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक मतलब इमिटेट करना, तो प्रहसन और दुखांतक, प्रहसन मतलब होता है कॉमेडी और दुखांतक मतलब होता है ट्रेजिडी, है ना, तो ये अनुकरणात्मक काव्य है ये, प्रहसन मतलब कॉमेडी है, दुखांतक मतलब ट्रेजिडी। वर्णात्मक, वर्णनात्मक को बोलते हैं डिथिरैम मतलब होता है प्रगीतात्मक, जिसको हम गाना के रूप में गा सकते हैं, जिसमें लय होता है, सुर होता है, ताल होता है। तीसरा है मिश्र, मिश्र से तात्पर्य जैसे होमर नाम के बहुत बड़े वो हुए हैं, कवि हुए हैं यूनान में, होमर का जो इलियड और ओडिसी है, जिसे इन्होंने इलियड हिंदी में और ओडिसी कहा गया, महाकाव्य, तो ये दोनों महाकाव्य हैं। होमर जो यूनान के बहुत बड़े कवि हैं, इनके दो महाकाव्य हैं इलियड और ओडिसी, ये मिश्र वर्ग के में आएंगे। प्लेटो ने प्रगीत के तीन अंग माने हैं, प्रगीत मतलब जिसको हम कविता के रूप में गा सकते हैं, जिसको गाना के रूप में गा सकते हैं। तो प्लेटो ने प्रगीत के तीन अंग माने हैं, कौन कौन से,
शब्द माधुर और लय, शब्द अच्छे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए और उसमें लय होना चाहिए, है ना। तो प्रगीत के तीन अंग हैं, शब्द, माधुर्य और लय। तो ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्लेटो ने कला के संदर्भ में अनुकरण शब्द का प्रयोग अपकर्षी डेरोगेटरी के अर्थ में किया है, मतलब अपमानजनक रूप से किया है, कोई अच्छे शब्द के रूप में यह प्रयोग नहीं किया उन्होंने। कला के संबंध में कहा है कि कला अनुकरण है ये, तो इसका उपयोग उन्होंने कोई अच्छे अर्थों में नहीं किया है। उन्होंने दर्शन और प्रयोजन इन दो आधारों पर कला को अग्राह्य माना है। ऊपर मैं बता चुका हूं, दर्शन के आधार पर, क्योंकि उनकी दार्शनिक विचारधाराएं पूरी तरह से कवि और कविता की विरोधी है, और प्रयोजन के दृष्टिकोण से, क्योंकि कविता समाज के लिए उपयोगी नहीं है इनके हिसाब से, इसलिए इन दो आधारों पर उन्होंने कला को अग्राह्य माना है, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, आदर्श राज्य में जैसे स्थान नहीं दे सकते। कला की अनुकरण मूलकता की भावना का श्रेय प्लेटो का है। तो प्लेटो दुनिया के सबसे पहले दार्शनिक थे जिन्होंने कहा कि कला क्या है, अनुकरण मूलक होती है, किसी चीज का अनुकरण करती है कला, और इस सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो हैं। प्लेटो के दर्शन में पांच विषयों का निरूपण था, तो प्लेटो ने अपने दर्शन के अंतर्गत पांच सिद्धांतों को जन्म दिया था, पांच सिद्धांतों की उद्भावना की थी। पहला है आदर्श राज्य, दूसरा है प्रत्यय सिद्धांत या आइडिया, तीसरा है आत्मा की अमृत सिद्धि, चौथा है सृष्टि शास्त्र, और पांचवा है ज्ञान मीमांसा। तो इनके दार्शनिक विचारधारा के ये पांच मूल तत्व हैं। काव्य एवं कला के स्वरूप, काव्य एवं कला का स्वरूप कैसा होना चाहिए, काव्य एवं कला का प्रयोजन क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, और काव्य और कला का प्रभाव क्या होना चाहिए, इनसे संबंधित अनेक नवीन विचार इन्होंने दिए हैं। और प्राचीन विचार इसके उद्भावना करने का श्रेय, इसके जन्म देने का श्रेय किसको है, प्लेटो को है। कला के मूल्य के संबंध में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी है, मतलब कौन सी कला मूल्यवान है, तो इनका दृष्टिकोण क्या है, वही कला मूल्यवान है जो उपयोगी भी हो और जो हमें नैतिक शिक्षा भी देती हो। मतलब कला, किस कला को उन्होंने मूल्यवान माना है, जो उपयोगी हो समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, और जो नैतिकतावादी हो, जिसमें लोगों का नैतिक उत्थान हो, जिसके माध्यम से। प्लेटो का यह मानना है कि प्लेटो के अनुसार कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है। मतलब प्लेटो का कवि की काव्य चेतना, जब कवि काव्य लिखने का प्रयास करता है तो क्या है, उसमें चेतना तो विद्यमान है एक बांसुरी की तरह, लेकिन उसको बजाने का काम कौन करता है, उसको फूंकने का काम कौन करता है, ईश्वर करता है। ठीक है, उसके पास बुद्धि जरूर है, लेकिन कविता लिखने के लिए जिस प्रकार का मतलब माहौल और जिस प्रकार का उसका फीलिंग्स और इमोशंस जो आने चाहिए वो कौन देता है, ईश्वर देता है। अर्थात एक वीणा है जिसके तार ईश्वर के स्पर्श से झंकृत हो उठते हैं। मतलब यदि हम कवि की काव्य चेतना को वीणा मानते हैं तो उसको, उसमें जो तार लगे हैं उसको झंकृत कौन करता है, ईश्वर करता है। मतलब उसमें अपना कोई टैलेंट नहीं होता, बल्कि कविता की जो देवी म्यूजेड है उसे कविता लिखने के लिए प्रेरित करती है, और वह उन्माद की अवस्था में, मैडनेस की अवस्था में कविता को लिखता है। मतलब उसका कोई टैलेंट यहां पर महत्व नहीं रखता, सिर्फ ईश्वरीय प्रेरणा से कोई कवि कविता लिखता है। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता या गायक स्वयं ईश्वर है। इस प्रकार काव्य रचना के क्षेत्र में दैवी या ईश्वरीय प्रेरणा का सिद्धांत प्लेटो की महत्वपूर्ण देन है। तो प्लेटो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है डिवाइन इंस्पिरेशन का सिद्धांत। मतलब कवि, कोई भी कवि कविता कैसे लिखता है, ईश्वरीय प्रेरणा से लिखता है, दैवी प्रेरणा से लिखता है, म्यूजेज की प्रेरणा से लिखता है, और इस सिद्धांत के जन्मदाता है प्लेटो। इसके बाद है कलावादी चिंतन के क्षेत्र में प्लेटो की काव्य कला संबंधी मान्यताएं यान में निहित है। तो ये जो यान नाम की उनकी किताब है इसमें ये सारी मान्यताएं निहित है। मतलब कलावादी चिंतन, कला के क्षेत्र में उन्होंने जो चिंतन किया है, काव्य और कला के संबंध में जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो नई अवधारणाएं प्रस्तुत किए हैं, वह उनकी किताब इयान में निहित है, संग्रहित है। प्लेटो का कला संबंधी दृष्टिकोण विधेयात्मक है। विधेयात्मक मतलब प्रयोजनपूर्ण, किसी कला का कुछ प्रयोजन होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, या मानकीय मतलब मानक रूप में। मतलब कोई भी कविता को उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया है कि काव्य या कला का मानक क्या होना चाहिए, आदर्श रूप क्या होना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह इनके दृष्टिकोण के प्रमुख बिंदु हैं। कहने का अभिप्राय प्लेटो का यह है कि कला कैसी होनी चाहिए। तो प्लेटो का मुख्य उद्देश्य क्या है, वे यह बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए, कि उसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य या प्रयोजन होना चाहिए। तो यह उनके महत्वपूर्ण, उनके विचार के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और कुछ विद्वानों ने उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो लॉर्ड मैकॉलन नाम के विद्वान ने कहा है, यहां पर लॉर्ड मैकॉलन की शिक्षा पद्धति के जन्मदाता है, प्लेटो के समान दूसरा मेधावी विश्व में हुआ ही नहीं,
इनका कहना है कि प्लेटो जैसा जीनियस पूरी दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ आज तक। और एमर्सन नाम के जो अमेरिका के बहुत बड़े चिंतक हैं, दार्शनिक हैं, विचारक हैं, एमर्सन बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, अमेरिका के अमेरिकन राइटर हैं। इनका कहना है कि प्लेटो विश्व के सबसे बड़े तत्वज्ञानी थे, तत्वज्ञान मतलब दार्शनिक थे। और इसके बाद जो देवेंद्रनाथ शर्मा जी है, जो भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, इनका कहना है प्लेटो स्वच्छंदतावादी आलोचना के प्रवर्तक थे। स्वच्छंदतावादी मतलब रोमांटिसिज्म। तो इनका मानना है कि स्वच्छंदतावादी जो आलोचना है, जो रोमांटिक क्रिटिसिज्म है, उसके जन्मदाता कौन है? देवेंद्रनाथ शर्मा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको आज का मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। और मेरे इस लेक्चर को अधिक से अधिक आप अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।